आपका। मेरा नाम दयानंद विश्वनाथ नाडगौड़ है। मैं कर्नाटक से, वो बालगोड डिस्ट्रिक्ट के इरकल तालुका चामलापुर से हूँ। क्या क्या बताएं दयानंद जी, इतनी आप बहुत दिन से हमारे कांटेक्ट में, नहीं, एक बहुत दिन से बोले तो वो यूट्यूब में एक साल से यूट्यूब। आ रहे ना, हाँ तब से मैं इंटरेस्ट पड़ा आपके पास। और हाँ क्या हुआ, शेतकरी को एक एक बार एक एक आदमी को दिन का हालत और मंडी का हालत मालूम रहता है। 90% वो शेत क्या किसानों के वो मंडी का हालत आज क्या है, अगले क्या होगा, 10 दिन के बाद क्या होगा, महीने के बाद क्या होगा, वो मालूम नहीं पड़ता था। आपकी वजह से वो मालूम पड़ रहे हैं, उससे किसानों को लाभ हो रहे हैं। लाभ हो रहा है, लेकिन जैसा कि बारिश पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते कंटिन्यू बारिश थी, पिछले हफ्ते भी बारिश ज्यादा थी, अचानक परसों आप संडे के दिन आए, उस दिन माल बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई, और उस दिन आप इकट्ठा माल आए थे, आप डर गए थे कि अभी मेरे माल का क्या हो जाएगा, रेट गिरेगा क्या, लेकिन उस दिन जैसे फिर आज थोड़ा सा रेट गिरने लगा दीपावली की वजह से, तो आज इतना रेट कम ज्यादा भी हुआ है और समझो होने के बाद भी आप संतुष्ट है, या आपको ऐसा लगता है कि दोबारा पुनः ही नहीं आना चाहिए, क्या आपके मन में क्या ये आता है? वो हमारा उधर से कर्नाटक से आने के लिए क्या तकलीफ है बताऊं तो, उधर क्या हमारे पास किसानों के पास क्रेट नहीं रहते। हाँ वो किसान वो बोलेरो लाए तो भाड़ा बहुत लगेगा, वो क्रेट को 200-250 लगेगा, 450 किलोमीटर है ना। इसलिए मैं कैंटर लाया। कैंटर लाने के लिए मुझे कैंटर ऐसा क्रेट का कैंटर नहीं मिला था, इसलिए वो मंगेश भैया को फोन किया था, वो एडजस्ट करके मुझे ठीक है, दिया। आपको कैंटर मिला, वो कैरेट मिला, आपने माल तोड़ा, लेकिन आज तेजी दिमाग में थी, आज मंदी में आप समझो थोड़ा सा कम ज्यादा मन में हुआ, आप रात कल मेरे को फोन किया कि ऐसा ऐसा पोजीशन है, आपको अगर दूसरी मंडी अच्छी है तो वहां भी जा सकते हैं, मैंने खुला बोल दिया, तो भी आपका बॉक्स नहीं भरा था, वो मंडी में बॉक्स चलता था और बॉक्स भरने के लिए फिर और 2 दिन लग जाते थे, तो अब आज इधर आने के बाद जो भी आज त्योहार के हिसाब से लोकल ग्राहक कम है और बाहर जाने वाला माल छठ पूजा के हिसाब से जा रहा है, वो अच्छे रेट जा रहा है, चाहे मन में जो बाजार है वो चाहे हर आदमी का पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मंडी की जो आज आपकी भावना है वो भावना आपकी क्या रही, आपको दोबारा यहाँ आने का दिल करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ऐसा तो नहीं है कैसे करेगा। और आप ये एजुकेट कर रहे हैं ना, ये क्या है, किसानों का अनुभव और आपका अनुभव शेयर करते, और कौन सा वो 2-3 वीडियो आप दिन में डालते हैं, वो शेतकरी का अनुभव और आपका संवाद, और दूसरा क्या है रेट का, हाँ लीलाव का वो भी देते, और सरासर कितना मिला वो भी डालते, 4 वीडियो दिन में डालते हैं आप। इससे क्या होता है, किसानों को बहुत लाभ है, वो आए ना आए वो अलग बात है, उससे तो किसानों को एजुकेट तो होता। वो इंडिया में तो कौन सा भी एजुकेट करने वाला नहीं था, आप फर्स्ट है। तुम आपसे वो दूसरा मंडी वाला भी सीखना चाहिए कि किसानों को फायदा में रखना, क्योंकि एक एक मंडी में कैसा रहता है, सभी व्यापारी कितना वो किसानों को लूटना चाहिए उतना लूटना ही चाहता है, और किसान क्या करते हैं, घबरा के वो कितना भी जाने दो मंडी को नहीं जाने का, इधर 50 रुपए भी जाने दो जगह पे, और 40 रुपए भी देने दो, इधर ही जाना अच्छा, क्योंकि खर्चा बढ़ता है, और उधर जाने के बाद क्या होता है, उसको थोड़ा मन में शंका रहती है। लेकिन जब अभी कोई किसान ने दूसरा एक मुलाकात मेरे इस आपसे पहला मैंने लिया तो उसको उनको जगह पे 115 मांगते थे 15 दिन पहला, लेकिन जैसा जैसे आगे गए किस व्यापारी वो आए नहीं और उनको आज आना पड़ा यहाँ, तो जब आए जब तेजी होती है और माल मिलना मांगता है तो लेके जाते हैं, लेकिन मंदी होती है तो किसान का माल वो उठाते नहीं है, आपको मंडी में जाना ही पड़ता है, लेकिन मंडी में मंदी है करके हमने माल कुछ भी भाव बेचे
वो दोबारा किसान नहीं आना चाहिए ऐसा कभी मन में रखता नहीं हम। वो दोबारा भले मंदी भी हो या तेजी भी हो, वो किसान मंडी में आना चाहिए, या मंडी में नहीं आने के बाद इधर का एवरेज क्या रेट है, डैमेज खरड़ा और स्पॉट वाला जो अच्छा वाला, वो किसान को समझना चाहिए। भले आप जगह पे दो लेकिन नुकसानी में मत जाओ, ये आज हमने किया, ये आज तक हमने किया। लेकिन इतना आज खरतर व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांना ही दिवाळी थोडीशी नक्कीच चांगली जात असताना आज दोन दिवस हे शहरातला जो ग्राहक वर्ग आहे, शहरातला जो खाणारा वर्ग आहे, हा वेगवेगळ्या ठिकाणी बाहेर गावी हा पडलेला आहे। कारण कोरोनाच्या काळामध्ये हा कुठेही शहरातून बाहेर किंवा बाहेरचा माणूस शहराकडे येत नव्हता। ही पहिली दिवाळी अशी आहे की इथं शहरातला जो वर्ग आहे, म्हणजे मुंबई असेल, पुणे असेल किंवा पुणे असेल, तर ह्या ज्यातनं तो बाहेर पडलेला आहे। आणि जो खाणारा टॉपचा माल खाणारा जो वर्ग आहे, त्याच्यामुळं इथं कमतरता जाणवली, पण जो छटपूजासाठी चालणारा माल आहे हा बाहेर जातोय आणि त्याला रेट चांगला मिळतोय। आणि बऱ्यापैकी दिवाळीमध्ये माल थांबलेले आहेत आणि पुढे जाऊन ज्यादा रेट मिळतील ही जी मनामध्ये शंका जर असेल ती होणार नाहीये। रेट हे चांगलेच आहेत, पण ज्या पावसाच्या तुलनेत ज्यावेळेस माल येत होते त्यावेळेचे जे रेट, आणि पुढे जाऊन आता उघड्या हवामानामध्ये माशीचा प्रादुर्भाव, आणि ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये बऱ्यापैकी राजस्थानचा माल चालू होणार आहे, गुजरातचा माल चालू होणार आहे, आणि बऱ्यापैकी थंडी पडणार आहे। आणि ह्या सगळ्या वातावरणामध्ये आपल्याला मंदी थोडीफार आहे हे मी नक्की आवर्जून सांगतो। तुमच्या मनातल्या अपेक्षा नक्कीच उंच होत्या, त्यावेळेस मालही मार्केटमध्ये कमी येत होते, पाऊसही होता, काढता येत नव्हता कारण ढगफुटी झाली की त्या एरियात आपण जाऊ शकत नव्हतो, आणि अशा परिस्थितीमध्ये मार्केटमध्ये माल कमी येत होता, रेट घेतली तर हे 450 किलोमीटर आलेले शेतकरी आहेत। तर मला असं वाटतंय की आता पुढे जाऊन ज्यादा रेट जे होते ते थोडेसे नक्कीच कमी होते, पण एवढे पण कमी होणार नाही, कारण अजून एक 15-20-25 दिवसाचा टप्पा आपल्या हातात आहे की गुजरात राजस्थान चालू व्हायला थोडासा वेळ आहे। परंतु अपेक्षा जेव्हा आपण जास्त ठेवली ती थोडीशी आता मानसिकता आपल्याला कमी करावी लागेल, कारण जे मनामध्ये रेट आपण धरलेले आहेत ते कदाचित न मिळाल्यामुळं आपल्याला ती मंदी जाणवते। पण आजही 80 रुपये 90 रुपये ऍव्हरेज पडतंय, 100 रुपये पण ऍव्हरेज पडतंय टॉप क्वालिटीच्या मालाचं। परवाचा तर यांचा कर्नाटकमधला एक शेतकऱ्याला 119 रुपये ऍव्हरेज पडलेला असताना सुद्धा असमाधानी होता। आज समज 100 रुपये पडल, 110 पडल, पण त्यावेळेस जाग्यावरती मागणारा सुद्धा 100 चा 70 वर येईल, 70 चा 60 वर येईल। आपलं नुकसान होऊन देऊ नका, आम्ही दररोजचे लाईव्ह अपडेट हे आपल्यापर्यंत मी पोहोचवत जाईल आणि ते आपण पाहत जा। आज 450 किलोमीटरहून आलेला शेतकरी हा बँगलोर, मला रेट कमी मिळू द्या, मी इथंच येईल, आणि त्या पद्धतीने ते आज 400 कॅरेटीनं घेऊन आले आणि या ठिकाणी त्यांनी मला समाधान व्यक्त केलं। आणि पुन्हा मी केडी चौधरींकडेच येईल ही भावना या निमित्तानं त्यांनी ठेवली। मी मनापासून माझे दयानंदजी या ठिकाणी आले त्यांचा मनापासून आभारी आहे, धन्यवाद।